बात करते हैं इस्लामाबाद से, जहां जस्टिस अथर मीन अल्लाह का आम इंतखाबात की तारीख के केस से मुतल्लिक 41 सफहात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी हो गया। जस्टिस अथर मीन अल्लाह ने इजाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है, जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इजाफी नोट में कहा गया कि इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48 शक 5 के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। जस्टिस अथर मीन अल्लाह के इजाफी नोट में लिखा गया कि 90 रोज में इंतखाबात न कराने आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। इजाफी नोट में कहा गया कि 12,56,26,390 रजिस्टर्ड वोटर को इनके हक राय दही से महरूम रखा गया। इंतखाबात में ताखीर को रोकने के लिए मुस्तकबिल में ठोस इकदाम की जरूरत है। हर अवामी ओहदा रखने वाले आइन के तहफ्फुज़ का हल्फ उठाता है।